सर्वांगी होना चाहिए, विकास सर्वस्पर्शी होना चाहिए, विकास सर्वसमावेशक होना चाहिए। देश के ऐसे क्षेत्रों को आगे लाने के लिए पिछले 7 वर्षों में जो प्रयास किए गए हैं, अब उसे और तेजी देने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, लद्दाख सहित पूरा हिमालय का क्षेत्र हो, हमारी कोस्टल बेल्ट या फिर आदिवासी अंचल हो, ये भविष्य में भारत के विकास का, भारत की विकास यात्रा का बहुत बड़ा आधार बनने वाले हैं। आज नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी का नया इतिहास लिखा जा रहा है। ये कनेक्टिविटी दिलों की भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी है। बहुत जल्द नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल सेवा से जोड़ने का काम पूरा होने वाला है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आज नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश, म्यांमार और दक्षिण पूर्वी एशिया से भी कनेक्ट हो रहा है। बीते वर्षों में जो प्रयास हुए हैं उसकी वजह से हम नॉर्थ ईस्ट में स्थायी शांति के लिए, श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए उत्साह अनेक गुना बढ़ा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट से वहां पर टूरिज्म, एडवेंचर स्पोर्ट्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हर्बल मेडिसिन, ऑयल पाम, इसका पोटेंशियल बहुत बड़ी मात्रा में है। हमें पूरी तरह इस पोटेंशियल को निखारना होगा, देश की विकास यात्रा का हिस्सा बनाना होगा और हमें ये काम अमृतकाल के कुछ दशक में ही पूरा करना है। सभी के सामर्थ्य को उचित अवसर देना, यही लोकतंत्र की असली भावना है। जम्मू हो या कश्मीर, विकास का संतुलन अब जमीन पर दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में ही डीलिमिटेशन कमीशन का गठन हो चुका है।